हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाई एस के। आज हम बात करेंगे बिल्डिंग सेफ्टी के ऊपर। बिल्डिंग क्या होता है, इसमें हजार्ड्स क्या हैं और इसके सेफ्टी मेजर क्या हैं, इस पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बिल्डिंग किसको बोलते हैं। बिल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटल्स पीसेस बाई अप्लीकेशन ऑफ हीट। मतलब कि हीट को अप्लाई करके मेटल के दो पार्ट को जोड़ने के जो प्रोसेस होता है उसे बेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, हीट का एप्लीकेशन करके मेटल के दो पीस को जोड़ने का जो प्रोसेस है वो बेल्डिंग है। अभी किस तरह से जुड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। बेल्डिंग ज्वाइंट इज डन विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस, यानी बेल्डिंग का जो ज्वाइंट है बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू किए जाते हैं। इन विच हीट इज सप्लाई इधर इलेक्ट्रिकली और बाई मीन्स ऑफ गैस्टर। तो जिसमें क्या है, हीट का जो सप्लाई होता है आइदर हम इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, या बाय मीन्स ऑफ गैस टॉर्च या गैस टॉर्च का इस्तेमाल करके वहाँ पे बेल्डिंग किया जाता है। तो समझ गए बेल्डिंग क्या है। बेल्डिंग है जो हीट अप्लीकेशन को अप्लाई करके टू पीसेस को जोड़ने का जो प्रोसेस है वो बेल्डिंग है। और इसको जोड़ने के बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें हीट को अप्लाई करके यानी सप्लाई करके, चाहे वो हीट है जो इलेक्ट्रिकली किया जाए या गैस टॉर्च के साथ किया जाए, तो इनके मदद से जो बेल्डिंग ज्वाइंट को दो पीस को आपस में जोड़ते हैं वो बेल्डिंग कहलाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि बेल्डिंग में हजार्ड्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है फायर एंड एक्सप्लोजन, तो यहाँ फायर एंड एक्सप्लोजन की संभावना रहती है। दूसरा है बर्न इंजुरी, तो इसमें अगर बेल्डिंग करते करते अगर हॉट मेटल पे अगर हाथ पड़ गया किसी का तो यहाँ पे जलने की संभावना रहती है। थर्ड है इलेक्ट्रिकल शॉक, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के थ्रू इसको किया जाता है तो इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की संभावना हो सकती है। फोर्थ है फ्यूम्स, तो बेल्डिंग जब किया जाता है तो उससे बहुत सारे फ्यूम्स निकलते हैं जो हेल्थ के लिए खतरनाक हैं, तो ये भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट है टॉक्सिक गैसेज, तो बेल्डिंग जब करते हैं तो उस फ्यूम्स में बहुत सारे टॉक्सिक गैसेज होते हैं, और इससे बचने के लिए बिल्डर को जो स्पेसिफिक पीपी होता है वो पहनना चाहिए। नेक्स्ट है सफोकेशन, अब ऐसे एरिया में बिल्डिंग किया जा रहा है जहाँ पे कि सर्कुलेशन ठीक नहीं, एयर सर्कुलेशन ठीक नहीं है, वहाँ पे वेंटिलेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया गया है, तो उस केस में वहाँ पे सफोकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस ये सब में यहाँ पे प्रॉब्लम ही होती है। नेक्स्ट देखेंगे रेडिएशन, बिल्डिंग करने वक्त इससे काफ़ी रेडिएशन निकलती है जो खास करके बिल्डर के लिए काफ़ी खतरनाक है। और उसके बाद हीट स्ट्रेस, इस एक्टिविटी में हीट काफ़ी जनरेट होता है तो वहाँ पे हीट का प्रॉब्लम क्रिएट होता है और इससे है जो बिल्डर प्रभावित होता है। तो ये अभी अभी जाना आपने हजार्ड्स क्या क्या हैं। अब इसमें देखेंगे कि बिल्डिंग एक्टिविटी अगर किया जा रहा है तो उसमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेना पड़ेगा, किन किन चीज़ों को प्रिकॉशन में लिया जाए ताकि इसके कारण ज़्यादा खतरा नहीं हो। तो पहला चीज़ है बिल्डर शुड बी स्किल्ड एंड ट्रेंड, तो जो भी बिल्डर हो स्किल्ड हो और ट्रेंड हो उसे अच्छे से मालूम होना चाहिए कि बिल्डिंग करने में क्या क्या एक्टिविटी को किस तरह से करें, अपने को बचाने के लिए कौन कौन सा पीपी का इस्तेमाल करें, इसलिए बिल्डर का स्किल एंड ट्रेंड होना जरूरी है। नेक्स्ट है रिमूव कम्बस्टेबल मटेरियल फ्रॉम बिल्डिंग एरिया, बिल्डिंग एरिया से जितने भी कम्बस्टेबल मटेरियल उसको हटा देना चाहिए, और इफ़ नॉट पॉसिबल कवर विथ फायर ब्लैंकेट, अगर वो पॉसिबल नहीं हटाना तो उस केस में उसको जो कम्बस्टेबल मटेरियल है उसको ब्लैंकेट से ढक देना चाहिए, और हो सकता है तो उस पर पानी का स्प्रिंकल कर दें जिससे कि आग लगने का खतरा दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थिंग शुड बी प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग मशीन एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो ये कंपलसरी है ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए है, यहाँ पे अर्थिंग देना बहुत जरूरी है, बिल्डिंग मशीन हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो बिल्डिंग से रिलेटेड उस एक्टिविटी में उसका कार्य जाए, जैसे ग्राइंडिंग मशीन हुआ बीच में बिल्डिंग करने के बाद उसकी आवश्यकता होती है, ये सारे मशीन है जो अर्थ, उसमें अर्थ का प्रोविजन होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे डिप्लॉय ट्रेन वाचर एट द बिल्डिंग लोकेशन, तो यहाँ पे है जो फायर वाचर का होना जरूरी है जो कि ट्रेंड हो और इन सारी गतिविधियों पर उसकी नज़र रहे बिल्डिंग करने के दौरान कि कहीं आग तो नहीं लग गया, तो ये सब उसका दिखना जिम्मेदारी है, तो वो आदमी क्या होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे डू नॉट यूज डैमेज पावर केबल और डिफेक्टिव पावर इक्विपमेंट, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो भी पावर केबल यूज कर रहे हैं इस एक्टिविटी के लिए वो डैमेज नहीं होना चाहिए, या जो पावर से जो चलने वाले जो इक्विपमेंट है वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे
मेक अवेलेबल फायर एक्सटिंग्विशर एंड फायर ब्लैंकेट नियर बिल्डिंग जॉब। तो ये कंपलसरी है, फायर एक्सटिंग्विशर का होना जरूरी है, अगर कहीं आग लगती तो उसके बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और फायर ब्लैंकेट है जो उसके स्पार्क से कम्बस्टेबल मटेरियल को ढक देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे आग है जो कम्बस्टेबल मटेरियल के संपर्क में नहीं आता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोवाइड इल्यूमिनेशन एंड वेंटिलेशन एट द प्लेस ऑफ बिल्डिंग। तो जहाँ बिल्डिंग हो रहा है वहाँ पे सफिशियंट है जो इल्यूमिनेशन होना चाहिए, मतलब सफिशियंट लाइट होनी चाहिए, और वेंटिलेशन प्रॉब्लम होना चाहिए ताकि वहाँ पे सफोकेशन नहीं हो, इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, इंस्टॉल 30 mA ELCV फॉर इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए 30 mA का ELCV या RCCB का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है, क्योंकि कभी भी इसमें है जो कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए 30 mA ELCV या RCCB का प्रोविजन देना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे, रिप्लेस डैमेज केबल एंड पोर्टेबल टूल्स इमीडिएटली। अगर केबल डैमेज है या पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल टूल डैमेज है तो उस केस में इसको इमीडिएट रिप्लेस कर देना चाहिए। और नेक्स्ट है, बिल्डिंग मशीन मस्ट हैव वैलिड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट एंड कलर कोडेड। तो जिससे बिल्डिंग किया जा रहा है वो मशीन है जो इंस्पेक्शन उसका किया हुआ होना चाहिए, यानी उसके सर्टिफिकेट उसके पास अवेलेबल हो, या बिल्डिंग मशीन पे चिपका हुआ हो कि हाँ इसका सर्टिफिकेशन किया गया है, और उसमें कलर कोडिंग देना जरूरी है मशीन में, ताकि ये पता चले कि इसका इंस्पेक्शन हो चुका है। और नेक्स्ट देखेंगे, जब स्पेसिफिक पीपी शुड बी यूज। तो बिल्डर के लिए एक स्पेसिफिक जनरल पीपी तो पहनता ही है, लेकिन बिल्डिंग के दौरान कुछ है जो स्पेसिफिक पीपी है जो जिसका इस्तेमाल करना होता है उसका इस्तेमाल करना जरूरी है, जैसे FRC एप्रॉन हो गया, फेस शील्ड पहनने का है, लेदर ग्लव्स पहनने के जरूरत होती है, और रिस्पिरेटर, जहाँ पे कि फ्यूम्स ज़्यादा क्रिएट हो रहा है वहाँ पे रिस्पिरेटर पहनना जरूरी है, नहीं तो सारे फ्यूम्स बिल्डर है जो सांस के द्वारा अंदर ले लेगा और वो बीमार हो सकता है। तो अभी आपने देखा बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग में हजार्ड्स क्या क्या हैं, और इसके सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है, यानी क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।